सुखाड़े समाधि पर खड़े हैं और स्वर्गीय सुखाड़े जी के सुपुत्र दिलीप जी और उनकी पत्नी नीलिमा जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सुखाड़े जी ने जो ख्वाब देखे थे उदयपुर विकास के लिए राजस्थान विकास के, उनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक नहीं हो पाए और उनको पूरा करने के लिए सरकार पर किस प्रकार का दबाव बनाया गया। ऐसा है, ये सवाल आज का दिन ना पूछ के हम ये सवाल किसी और दिन भी रख सकते हैं। आज तो पुष्पांजलि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये सवाल आज नहीं करें, लेकिन कोई उनके जमे का कोई प्रोजेक्ट है तो देवास है और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह कर रहे हैं। उसके दो फेज पूरे हो गए, बाकी दो हो गए, आपको मेरे ख्याल से अगले साल तक पानी आ जाना चाहिए। श्रीवास्तव साहब ने जो सवाल पूछा है नीलिमा सुखाड़िया जी और दिलीप जी, उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने उस देवास योजना का नाम ही मोहनलाल जी सुखाड़े साहब के नाम के ऊपर रख दिया, योजना का उसका। और आज तो उनकी पुष्पांजलि पुण्यतिथि है, उसके बारे में हमारी अध्यक्ष जी नीलिमा सुखाड़िया जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज हमारे स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब की 30वीं पुण्यतिथि है जो हम यहाँ पर उनके समाधि स्थल पर मना रहे हैं। सभी कांग्रेस जन, आम जन, शहर के प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता कांग्रेस के, महिला कांग्रेस की सदस्याएं, सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत उनके मन में सुखाड़े जी के लिए अति प्रेम है। ये हर साल इसी तरह से मनाते हैं हम, सुखाड़े जी की यादें हमेशा दिल में रहती हैं, दिल में रहेंगी। जब जब उनका दिन आता है सालों साल तक वो याद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया था और उनका सपना था कि मैं उदयपुर को भी आधुनिक न्यू उदयपुर डेवलप करूँगा। ये लेकिन उसी बीच में वो नहीं रहे। अब जो भी यहाँ की विकास के कार्य हैं, आज मैं शहर के जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती रहूँगी कि शहर के विकास के ऊपर शहर की को नई श्रेणी के दर्जा मिले। मैं शीला पोखरना, स्टेट सचिव महिला कांग्रेस जयपुर की हूँ और आज सुखाड़िया साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। सुखाड़िया साहब का जीवन संघर्षमय रहा और सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर प्रजामंडल का शासन था, उस प्रजामंडल के अंदर सुखाड़िया साहब ने क्या कार्य नहीं किया, यानी कि उन्होंने तन मन धन समर्पित करके संघर्ष किया और स्वतंत्रता दिलाने में पूर्ण सहयोग दिया। इसी की बदौलत उन्होंने उदयपुर में रहते हुए, उदयपुर के लाडले सुखाड़िया जी ने उदयपुर में जन्म लेकर के राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और 17 वर्ष तक लगातार हमारे सुखाड़िया साहब मुख्यमंत्री बने रहे। और उनके जीवन काल में वो चाहते थे कि मैं राजस्थान को एक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाऊं और उदयपुर को तो उन्होंने एक झीलों की नगरी को बहुत आगे बढ़ाया और चमन कर दिया। ये सुखाड़े साहब की बदौलत है जो हम आज उदयपुर को देख रहे हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुखाड़िया परिवार और उदयपुर पूर्ण करे और हम सबको ये संबल दे कि हम अच्छे से अच्छा कार्य राजस्थान में करें और देश में इस कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात है, इस कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखें और मजबूत बनाने में हम महिलाओं का पूर्ण सहयोग मिले। यही मैं सचिव राजस्थान शीला पोखरना की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको हमें शक्ति प्रदान करे, ईश्वर कि हम उनको श्रद्धांजलि को उस अवसर, उस समय, उस तरीके से मनाएं कि उनके द्वारा बने बताए हुए मार्ग पर हम चलें और अच्छा कार्य करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। यही हमारी महिलाओं की शुभकामना है। जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया जी की पुण्यतिथि है। आज नगर के कांग्रेस कर्मियों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी यहाँ तक के उन्हें भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुखाड़िया जी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण यह था कि वह हसमुख रहते हुए एक दूसरे से मिलनसारिता उनसे बड़ी थी और एक अच्छे प्रशासक के रूप में उन्होंने काम किया, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाया। राजस्थान की चप्पा चप्पा भूमि में
हर व्यक्ति उनसे बहुत ही खुश है। आज के दिन हम सब मिलकर के प्रेरणा स्थल है समाधि पर उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने बताया उस मार्ग पर चलते हुए इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान एकत्रित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके उनके कार्य को और आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को बहुत ही आगे बढ़ाया है। आइए आज हम सब मिलकर के संकल्प लें, सुखाड़िया जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मेवाड़ को मजबूत बनाएं, कांग्रेस को मजबूत बनाएं और देश के विकास में योगदान बना रहे। विशेष तौर पे राजस्थान और उदयपुर का वो उल्लेखनीय रहेगा, स्मरणीय रहेगा।